हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वीन्स प्रेगनेंसी में कमर दर्द एंड पीठ दर्द होना बहुत ही नॉर्मल बात है और इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो सबसे पहला रीजन है आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होना, एंड इसके अलावा आपका बढ़ते टाइम के अकॉर्डिंग बहुत तेजी से वजन बढ़ना, एंड इसके अलावा जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी का सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो प्राकृतिक स्ट्रक्चर होता है वो भी बदल जाता है। वैसे नॉर्मली बिल्कुल सीधी रहती है, लेकिन जब आपका टाइम बहुत ओवर हो जाता है एंड आपका पेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको इस तरीके से तिरछे होके चलना पड़ता है, और ये भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है आपकी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द पैदा करने का। क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, जो आपके आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं एंड जो स्नायु बंधन होता है उस पर दबाव डाल सकते हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आपका जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है तो जिस वजह से आपके पेट की मसल्स बहुत ज्यादा खिंचती हैं एंड ये जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है। और आप बढ़ते टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सही पोजीशन में भी आपको रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और एक ये भी रीजन होता है आपके दर्द को बढ़ाना। और ट्वीन्स प्रेगनेंसी होने की वजह से आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा ही वजन बढ़ेगा एंड बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ेगा आपकी रीढ़ की हड्डी पर, जिस वजह से ये दर्द बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो इस दर्द में राहत पाने के लिए मैं आपको कुछ टिप बताने वाली हूँ जिनको आप जरूर फॉलो करें। सबसे पहली टिप है, आपको प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर सपोर्टिव जूते या फिर सपोर्टिव चप्पल जरूर पहननी चाहिए। और जब आप जूते या चप्पल नहीं पहनती हैं तो जब आप पैर रखती हैं तो सारा जो दबाव होता है वो सारा आपकी पैरों की नसों पर पड़ता है, जिनमें से अधिकांश नसें आपकी रीढ़ से जुड़ी होती हैं, तो जिस वजह से आपके पीठ के निचले हिस्से में और ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। और आप प्रेगनेंसी स्पेशल जूते ही खरीदें जिनमें आप ये जरूर देखें कि वो बहुत ही आरामदायक हो एंड लचीले होने चाहिए, इंसोल है और आर्च सपोर्ट है। आपको ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान हल्के पुल्के व्यायाम जरूर करने चाहिए। देखिए, ट्वीन्स प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में आप बहुत ही इजीली व्यायाम कर सकती हैं, बट आप थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं कर पाती हैं, इसलिए आपको फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में जरूर करना चाहिए। बट याद रखिए, बहुत ही हल्के पुल्के व्यायाम करने हैं और बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है। और आप पीठ दर्द में राहत पाने के लिए स्पेशली जो बिल्ली और गाय वाली जो मुद्रा होती है व्यायाम के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इजीली होती है, आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। पोजीशन में थोड़ी देर तक रहें, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकती हैं, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रहने में बहुत सपोर्ट मिलेगा एंड आपको दर्द में बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करें, बट याद रखें एकदम से नहीं करनी, बहुत ही आराम से एंड बहुत ही इजीली करें। एंड आप यूट्यूब पर अच्छे से चेक भी कर सकती हैं और अच्छे से समझ के जरूर ट्राई करें। अगर आप प्रेगनेंसी में दर्द से परेशान है तो आपको भारी वजन बिल्कुल नहीं उठाना है, फिर चाहे आपका वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या फिर आपका सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर हो। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होने की वजह से सोचती हैं मैं थोड़ा बहुत वेट उठा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बता दूं आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, इससे आपकी मांसपेशियों पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा, इससे आपको और ज्यादा दर्द होगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आपको प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते टाइम पर आगे की ओर नहीं झुकना है, और जब आप आगे की ओर झुकती हैं तो इससे सिर्फ आपको ही दिक्कत नहीं होती बल्कि आपके बेबी को भी दिक्कत होती है, और आपका जो पेट होता है वो एकदम से लटक जाता है एंड आपकी रीढ़ की हड्डी पर भी प्रेशर पड़ता है। आप इस पोजीशन से भी जरूर बचें। और आपको जब भी कोई चीज उठानी है तो आप पहले घुटनों के बल बैठ जाएं एंड उसके बाद ही उठाएं, और अगर कोई है तो आप उसका भी सपोर्ट ले सकती हैं। और आपको ट्वीन्स प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम के अकॉर्डिंग डेली मसाज लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और आप जरूर लें, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना भी कर सकती हैं, डायरेक्ट भी लगा सकती हैं, और इससे आप अपनी पीठ पर हल्के हल्के से मसाज करवाएं, और आप ये रात को सोते समय जरूर करें। एंड इसके अलावा आप दर्द का ट्यूब या फिर कोई भी दर्द की स्प्रे जरूर लगाएं, इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। और आपकी पीठ पर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है उस पर भी आप हल्के से मसाज करें, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बट याद रखें, बहुत तेजी से नहीं करना है, बहुत ही आराम से करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान अपने उठने बैठने लेटने की पोजीशन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप बहुत देर तक कुर्सी पर बैठती हैं
तब भी आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी अकड़ सकती है, तो आप कुर्सी पर ज्यादा देर तक ना बैठें एंड आप जमीन पर पालथी मारकर ना बैठें एंड इसके अलावा आप बेड या फिर कहीं पर भी बहुत देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठें एंड आप एक ही पोजीशन में बहुत देर तक ना खड़ी रहें। आप समय समय पर अपनी पोजीशन जरूर चेंज करती रहें और आपको लेफ्ट साइड करवट लेके ही लेटना है, आपको सीधा नहीं लेटना है। इससे आपका जो गर्भाशय होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर और ज्यादा दबाव डालता है, जिससे कि आपको दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। और आप ध्यान रखें, बहुत ही आराम से बैठें, बहुत ही आराम से उठें एंड बहुत ही आराम से लेटें। एकदम से झटका देके कोई भी काम नहीं करना है। आपको अपनी इन छोटी छोटी आदतों में सुधार जरूर लाना होगा, नहीं तो आपको और ज्यादा दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप अपनी पीठ पर गर्म या फिर ठंडी सिकाई भी दे सकती हैं। आप ठंडी सिकाई के लिए ठंडा पानी ले लें एंड उसमें टॉवल को भिगोकर अपनी पीठ पर सिकाई करें। और अगर आप गर्म सिकाई करना चाहती हैं तो आप बोतल में गर्म पानी भर लें या फिर जो गर्म पानी वाली बोतल आती है वो मंगा लीजिए, आप उनसे भी सिकाई कर सकती हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आप जब भी आराम करने के लिए बैठें तो आप अपनी पीठ के पीछे तकिया जरूर लगाएं। इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी होगी वो थोड़ा सा सीधी रहेगी और इससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम युक्त डाइट का सेवन जरूर करें ताकि आपकी और आपके बच्चे की हड्डियां बहुत ही अच्छे से मजबूत हो एंड कमजोर ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान कमजोर हड्डियां होने की वजह से भी आपके बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इसलिए आप एक हेल्थी डाइट फॉलो जरूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जरूर टहलें। टहलने से भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दिया करो ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।